सो गाइस, जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इसी ट्रेंड लाइन से आपने उसी वीडियो में जाके देखना, मैंने आपको कल रात को यहीं पे मतलब ये ट्रेंड लाइन का दे दिया था। मार्केट ने ठीक ओपन होती सबसे पहले यहाँ का सपोर्ट लिया, उसके बाद से रैली स्टार्ट की और रैली लगभग आज 500 पॉइंट्स की इंट्राडे में हुई। एक और चीज़, एल्गोरिदम का जो बात होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो देखो, आपने मैंने कल आपको ये पैटर्न बना दिया था कि मार्केट ऐसे पैटर्न बन रहा है, ये बेयरिश है, हो सकता है ये नीचे से खुले, बिल्कुल नीचे से खुला भी, पहली रेड कैंडल वहाँ पे बनी भी, कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे क्योंकि एकदम से इसने कुछ लगभग 141 पॉइंट की एकदम शार्प सेलिंग दी, बट यहीं से इसने मोमेंटम चेंज कर दिया। जब इसने यहाँ से मोमेंटम चेंज किया, देखो उसी पैटर्न को, प्रीवियस डे के पैटर्न को कितना अच्छे से प्ले किया, गया ऊपर मार्केट, फिर देन वहीं से इसने एक शार्प फॉल लिया, वो यहाँ से 172 से डायरेक्ट 150 पॉइंट एकदम 17,000 पे दोबारा आ गया। देन उसके बाद मतलब रैली कंटिन्यू हुई। ओके, सो अब नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास एक्सपायरी के लिए हमारे पास क्या ट्रेड है, एक्सपायरी के लिए अब जो हमारे पास ट्रेड अब रह गया है, पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। हाँ देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे भी तो हमको जो भी रेजिस्टेंस अब दिख रहा है तो ये कुछ ना कुछ इस लेवल पे आते हुए दिख रहा है, 17,337 मतलब आज, और वहीं से इसने पुल बैक लिया था, 17,300 टच करते ही नीचे आ गया था थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं हमेशा रेजिस्टेंस क्यों बनाता हूँ, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ देख के बनाता हूँ, वो ये देख करके कि मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ से एक नई रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक और नई रैली जो थी ये चैनल वाला ब्रेकआउट हुआ था, यानी ये यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 17,300 बना सकते हैं, 17,400 या 350 कुछ भी रख लो आप दो। बट अब इसके बाद अब आपके पास क्या रह जाता है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए ये रह जाएगा कि आप इस चीज़ को देख के ट्रेड करना। ये देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, 17,400 यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, देन एक मतलब फेक ब्रेकआउट, और ये शार्प नीचे यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ, रिटेस्ट किया, देन उसी रेंज में चलता गया, देन एक ब्रेकआउट हुआ, बट यहीं से एक शार्प फॉल हो गया और ये नीचे होते हुए नेक्स्ट डे खुला, उसके ऊपर गया, बट देन फिर शार्प फॉल आया। सो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, जब भी अगर यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल कुछ ये वाली बनती है कि लाइक कुछ ऐसी वाली, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं ना पिन बार, तो अगर ये अगर ऐसी कोई कैंडल बनेगी तो उसको ज़रा देख के ट्रेड करना, और वहाँ पे आप ट्रेड करना ही मत। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे, मैंने कहा है कि जब भी अगर एक प्राइस एक रेंज में हो ना, तो हमेशा आपको करना क्या है कि पहले एक बॉक्स रेजिस्टेंस के पास एक बॉक्स होना चाहिए आपके पास, कैसे वाला बॉक्स, कुछ ये वाला एक छोटा सा बॉक्स बना लो कि हाँ जब तो ये इस बॉक्स के नीचे नहीं आएगा मैं तब तक अपना ट्रेड नहीं लूँगा, इस बॉक्स के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं अपना ट्रेड नहीं लूँगा, या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए। देखो एक कैंडल ग्रीन बनी यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनी, देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कैसी बन गई, बियरिश, और वहीं से इसने फेक आउट दिया, फेक आउट आते ही शार्प सेल आया, फेक आउट आते ही एक शार्प सेल आया, कितना अच्छा, लगभग 17,700 से 17,200 पॉइंट्स का एक फेक आउट आया, मार्केट ने फिर से दोबारा, अगर जब मैंने आपको बताया ना अभी कहाँ रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से नीचे गिरा बट ये ऊपर गया, देन अगर एक शार्प फॉल, फिर इसी में देखो कितना कितना टाइम बिताया इसने, लगभग 11:30 से लेकर कोलकाता यस, हाँ तो देखो यहाँ पे इसने 10:15 यहाँ पे आया, सबसे पहले कैंडल यहाँ पे बनी कितनी, हाँ देखो अब यहाँ पे पहली कैंडल कितने बजे बनी,
यहाँ पे एक कैंडल बनी है लगभग 10:15 के आसपास, 10:15 के आसपास जब बनी तो इसने लगभग यहाँ पे 1 बजे तक कैंडल यहीं पे घूमती रही। यार ये क्या हो रहा है, 10:30 के आसपास बनी और लगभग 11:30 तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं थी, यहीं पे घूमती रही। जब भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो ना कि वहाँ से ट्रेड मत लो, वहाँ से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर जब भी अगर नीचे गया ऊपर का ब्रेकडाउन होता है ना, एक बहुत तेज मोमेंटम आता है जिसमें अगर आप लॉन्ग होंगे और मार्केट अगर बेयरिश हो गया तो उस दिन आप अच्छे वाले रहोगे और कट जाओगे बुरी तरह। उसमें क्या है, स्टॉप लॉस देखो कितना, 15 मिनट ये 4 घंटे, 1 घंटे में मार्केट ने कहीं मूवमेंट नहीं दी, यहाँ पे ऑप्शन बायर फंस जाते हैं। ऑप्शन बायर्स को हमेशा चाहिए एक मोमेंटम, एक ब्रेकआउट ऊपर का या नीचे का, तब ऑप्शन में पैसा बनता है। तो यहाँ पे जिसने कॉल राइट की होगी ना उसको तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा होगा, मतलब यहाँ पे जिसने भी अगर पुट राइट की होगी, यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाय की होगी ना तो उसका प्रीमियम धीरे धीरे 1 घंटे में थोड़ा कम भी होगा। लेकिन जिसने भी यहाँ पे अगर पुट राइट की होगी ना कि अगर इसके बीच में फंसा हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद देखो कितना, 17,400 से फिसलता आया 17,000 पे रुका, ठीक है। उसी के बाद देखो मार्केट कहीं ना कहीं अब इसी मोड़ पे जा रहा है, यहाँ पे ज़रा देख के ट्रेड करना। और एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है कि शायद यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए। अब एक चीज़ और हो रही है अब एक्सपायरी में, जिसे हम आपने कई लोगों से सुना होगा, जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी क्या है, जिसे कहते हैं ना कि प्रीमियम ऑप्शन या तो जीरो जाएगा या कुछ बन जाएगा ऑप्शन। अब मार्केट अपनी क्लोजिंग कहाँ देना चाहेगा उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अब आप देखोगे मार्केट को कहाँ पे क्लोजिंग देनी है वो अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी वहीं पे काम करेगी। तो ये कुछ 543, ये दो लेवल बिल्कुल देख के रखना। बट जब भी अगर मार्केट मान लो अगर कहीं अगर ऊपर को मतलब एक बेरिश वाला होता है ना कि हाँ बेरिश वाला होगा तो ये नीचे नीचे आएगा, भले ही 17 मान लो कि 16,721 अगर ये तोड़ दे, ठीक है मैं आपको एज एक्सपायरी वाइज बता रहा हूँ कि अगर 16,17,721 अगर यहाँ पे तोड़ देता है, बट मार्केट को क्लोजिंग कहाँ देनी है, 16,17,721 पे ये 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा एक्सपायरी वाला जब मूव आएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम कम होते जाएंगे वो जो पुट बायर होगा उसके प्रीमियम एकदम हाई हो जाएंगे, तभी एकदम से मूव आएगा ऊपर की तरफ। आप जाके नोट करना, कभी भी मार्केट के लास्ट हाफ आवर में ही इतना अच्छा मोमेंटम आता है कि 1 रुपये वाली कॉल 15-20 रुपये की जाती है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। और यहाँ पे जो 200 EM है वो भी 16,600 का ही दिखला रहा है, हाँ 16,600 या 16,500, 17,400 को हम देख के वह ट्रेड करेंगे। देन उसके बाद ऊपर का मोमेंटम चेक करने जाएंगे कि हाँ ये 16,500 पे जाता है या नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा एक रिवर्सल साइन तो मिला है देखने के लिए, बट बैंक निफ्टी में इसी कैंडल को आप देख मतलब इसी ट्रेंड लाइन को आप ज़रा ठीक से फॉलो करना। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी यहाँ से आ सकता है, अगर नीचे भी जाएगा तो भी यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा। और ऑन वीक और अगर जो कोई पोजिशनल आ रहा है वो कुछ ये पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, जिसे हम एक बियरिश कहते हैं, यहाँ से जाएगा यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन से आप शॉर्ट करना, नीचे की ट्रेंड लाइन से बिल्कुल शॉर्ट मत करना, जिसको अगर पोजिशनल अगर बैठना हो तो। एंड एक्सपायरी तभी अगर मैं जैसे डाउ जोन्स की देखूं तभी डाउ जोन्स फिर से 1.5% नीचे है। ओके तो देखो मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है कि ऊपर ही ऊपर जाता रहा। और RSI में देखेंगे तो अब RSI थोड़ा सा नीचे आ गया, बट देखते हैं कितना नीचे आएगा।
37,200 एक लेवल रहेगा, एक अगर ऊपर से शॉर्ट करना है तो एक छोटा सा यहाँ का ये वाला एक रहेगा। एंड फिबोनाची में अगर हम जाएंगे, फिबोनाची से अगर हम देखें कोई एक लेवल तो वो रहेगा कुछ 37,200 ही आ रहा है इसमें भी, या 37,000। तो यानी इस लेवल पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है, डाउन साइड या पुल बैक, ठीक है। तो इसको ज़रा देख के ट्रेड करना। और अगर ऊपर में टारगेट अगर आएंगे कुछ भी, तो मुझे लगता है आज का तो टारगेट देखो, हाँ आज के पूरे सारे टारगेट मिल गए फिबोनाची में। हाई कितना लगाया, 37,788 जब यह 731 था टारगेट, मतलब आज पूरा फिबोनाची इसमें हो चुका है। अब ऊपर के लिए जो टारगेट है वो मुश्किल लग रहे हैं थोड़े से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चल चुका है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बट हाँ ये रहेगा कि 37,200 पे भी ये ऊपर नीचे होगा, देन शायद ऊपर को ट्रेड कर दे। तो ये हमारा एक सपोर्ट जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा हमारे लिए एक्सपायरी पे, अब ये थोड़ा बड़ा होगा बट हाँ मुझे लगता है यहीं पे ही होगा, ये कोई इस लेवल का होगा, ये 38,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे 37,200 न्यूट्रल, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा, यहाँ से बाई का बन सकता है अगर 15 मिनट कैंडल पे अगर कुछ अगर अच्छी मूवमेंट आई तो, ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रेड है नहीं, बाकी आप देखना अगर 37,719 के ऊपर अगर एक अच्छी सी पिन बारिश करना, एक रिटेस्ट कैंडल कुछ ये वाली, ये जो ऐसी बनती है ना रिटेस्ट, ये वाली या ये वाली या ये वाली, ऐसी जो भी कोई कैंडल बने इसके ऊपर ही आपको बाय करना है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।